करेले चिकन की ऐसी रेसिपी कि एक बार भी जो खाएगा तो उंगलियां चाटता रह जाएगा और आपसे बार बार ये सालन मांगेगा। तो व्यूवर्स, इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। जज़ाकअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूवर्स, हम जल्दी से करेले चिकन की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक कढ़ाई के अंदर एक कप में सरसों का ऑयल शामिल करूँगी। व्यूअर्स, मैं हमेशा से सरसों का ऑयल या ऑलिव ऑयल में खाना बनाती हूँ और आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी बना सकती हैं। तो अब जो करेले हैं उनको नमक लगा के रखा हुआ है, इसके अंदर जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है तो करेलों को हम फ्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो गया है, इसके अंदर ये करेले हैं ये शामिल करेंगे, उनको फ्राई करेंगे। जी तो व्यूअर्स, करेले जो हैं फ्राई हो गए हैं, अब इसको हम इसमें से निकाल लेंगे और इसका मसाला बनाना स्टार्ट कर देंगे। और इसका मसाला अच्छे से हम बनाएंगे। ठीक तो व्यूअर्स, इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून सूरख मिर्च, हाफ टेबल स्पून नमक, इसके अंदर टमाटर सब्ज मिर्च शामिल करेंगे। अच्छा व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो अपना फीडबैक दीजिए। अब इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। ये व्यूवर्स, करेले गोश्त की बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इसको आपने ज़रूर एक दफ़ा बना के और मुझे बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। एक टेबल स्पून लहसुन अदरक सूरख सब्ज मिर्च मैंने पीस ली है वो इसके अंदर शामिल करेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि मसाला अच्छे से हमारा तैयार हो जाए। व्यूअर्स, इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन देकर ढक देंगे ताकि जी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से व्यूअर्स, अच्छा सा हमारा मसाला तैयार हो गया है और चिकन इसके अंदर अच्छा सा गल गया है। अब इसके अंदर एक चम्मच सूखा धनिया शामिल किया है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को बनाइए, जो करेले गोश्त का शौकीन है तो उसको बेहद ही मज़ा आएगा। अब इसके अंदर जो करेले हमने फ्राई किए हैं वो शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। और इसको दम के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से करेले इसके अंदर भी भुनाई हो जाए
और ऑयल सारा ऊपर आ जाए, फिर आपको ये तो दीजिए माशाल्लाह से करेले चिकन मज़े के तैयार हैं। धनिया इसके ऊपर डालेंगे और इसको हम डिश आउट करेंगे। करेले चिकन की ऐसी रेसिपी कि एक दफ़ा आप खाएंगे इंशाल्लाह से उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है करेलों में। तो आप ज़रूर व्यूअर्स इस रेसिपी को ट्राई कीजिए।